नमस्कार दोस्तों, मैं किसी से भी ये बात पूछता हूं कि भाई एक बात बताओ कि ये रीसेलिंग का डाउन फ्लो क्यों आया। तो बहुत सारे लोग एक ही जवाब देते हैं कि ये रीसेलिंग कंपनियों ने ना इतना प्रमोशन कर दिया कि हमारा डाउन फ्लो आ ही गया, सभी को पता चल गया रीसेलिंग ऐसे हो जाती है, रीसेलिंग ऐसे हो जाती है। तो जो कस्टमर हमारे थे वो भी रीसेलर बन गई, जिस वजह से अब हम सेल किसको करें। लेकिन इस बात में अगर सच्चाई होती तो आप एक बात सोचिए कि मार्केट में हर चीज का कंपटीशन होता है। आपने देखा होगा अमेजोन भी ई कॉमर्स का काम कर रही है, फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स का काम कर रही है, स्नैपडील भी ई कॉमर्स का काम कर रही है, मिंत्रा भी ई कॉमर्स का काम कर रही है, और सभी का कॉम्पिटिशन चल रहा है। लेकिन कई सालों से वो अब भी चल रही हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि डेली कोई ना कोई नई नई मोबाइल लॉन्च होती हैं और मोबाइलों में अब अलग अलग कंपनियों का कॉम्पिटिशन चलता रहता है, फिर भी कंपनियाँ चल रही हैं। तो एक बात मेरी ये समझ नहीं आती कि जब दूसरी कंपनियां प्रमोशन करती हैं, दूसरे फील्ड में ये काम होते हैं, तो उनका धंधा बंद नहीं होता, लेकिन रीसेलिंग के फील्ड में किसी कंपनी ने प्रमोशन कर दिया तो रीसेलर्स का धंधा कैसे चौपट हो गया। तो इसी की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि एक्चुअल रीजन क्या रही है रीसेलिंग को फ्लॉप होने के, क्या इसे अभी भी ऊपर उठाया जा सकता है, और कुछ रीसेलर अभी भी रीसेलिंग से लाखों रुपए की तादाद में कमा रही हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो किन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो लोग रीसेलिंग से अभी भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला आपका ये फैक्ट गलत साबित हो गया कि जो प्रमोशन हुआ है उस वजह से रीसेलिंग डाउन गई है। दूसरा, अगर लोगों से पूछें कि रीसेलिंग आपकी क्यों नहीं चल रही, दूसरा रीजन बताइए, तो मोस्टली लोग रीजन बताते हैं कि जो मोस्टली कस्टमर थे वो अब रीसेलर बन गए हैं, या वो अब हमसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते। सीधा सा रीजन ये है कि वो अब खरीद ही नहीं रहे और हमें नए कस्टमर मिल ही नहीं रहे। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर कस्टमर मिल नहीं रहे होते तो वो आपको भी नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरी जो कंपनियां मार्केट में चल रही हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो उनको भी कस्टमर नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो भी ई कॉमर्स का काम कर रही हैं, आप भी ई कॉमर्स का काम कर रहे हो। और एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रोडक्ट आप जितनी रेट में दे रही हो उस रेट से ज़्यादा में अमेजोन, फ्लिपकार्ट सेल करती हैं, और उसके बाद भी आप सेल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कि कस्टमर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर भी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो या दूसरी कंपनियों का ग्राफ देखें तो लगातार इनकी सेल में इजाफा हो रहा है और आप लोगों की सेल में गिरावट आ रही है। तो ये तो नहीं कह सकते कि ग्राहक खरीदने से मना कर रहा है, क्योंकि एक जगह ग्राहक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट खरीद रहा है और एक जगह आप लोगों की सेल डाउन हो गई, यानी कि आपसे नहीं खरीद रहा। तो इस चीज को आप नहीं बोल सकते कि ग्राहक नहीं खरीद रहा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें कस्टमर मिल ही नहीं रहे, कहां से कस्टमर मिल सकते हैं, यही नहीं पता ग्राहक कहां से लाएं। एक चीज फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ग्राहक नहीं मिल रहे, उसी जगह अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये अलग अलग कंपनियां हैं, इनको ग्राहक मिल रहे हैं, अभी भी उनकी सेल हो रही है, अभी भी ग्राहक खरीद रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग एक बात यहां पे बोलेंगे कि आप बार बार अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इनका नाम ले रहे हो, ये ब्रांड हैं और हम लोग लोकल पर्सन हैं और हम पे लोग भरोसा नहीं करते और इन बड़ी ब्रांडों पे लोग भरोसा करते हैं, इस वजह से इन लोगों की आज भी सेल हो रही है और हम लोगों को कोई जानता नहीं है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिस वजह से लोग हम पे भरोसा नहीं करते, हमसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते और हमारी सेल नहीं होती। एक्चुअल रीजन यही है, ये सच्चाई है। अब हम लोग सेल किस तरीके से करते हैं उसको पता लगाते हैं और उसमें हम क्या गलतियां करते हैं उसको पता लगाते हैं, लोग हमसे क्यों नहीं खरीदते उसका पता लगाते हैं, और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे कि कैसे हम सेल को बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे हम जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आज के टाइम पर बढ़ रही हैं उस तरीके से हम भी बढ़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके बिजनेस मॉडल को समझाता हूँ कि आप किस तरीके से काम करते हो और उसमें क्या क्या गलतियाँ आप अभी भी कर रहे हो। हमारा सिंपल सा बिजनेस मॉडल रहता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, लोग हमारे ग्रुप में आते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम उनको प्रोडक्ट शेयर करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी हम यहीं पे करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी क्यों करते हैं आपको मैं बताना चाहूंगा। एक बात बताइए कि आपकी एक बाजार में बड़ी सी दुकान है और आपके पास ग्राहक आते हैं और ग्राहक आते जा रहे हैं, आपसे सामान खरीद रहे हैं, आपसे शॉपिंग कर रहे हैं, कभी कोई दूसरा बंदा आता है आपके पास, कोई दुकान वाला बंदा आता है, आपकी जैसी दुकान उसकी कहीं और है और आपसे बोले कि भाई आप मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे, आप बोलोगे क्या हेल्प चाहिए,
वो बोले आप अपने ग्राहकों का डाटा मुझे दे दीजिए, आपके जितने ग्राहक आते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दीजिए। तो क्या आप दे दोगे? आप में से मोस्टली लोग बोलेंगे कि रोहित भाई बेवकूफ समझाए क्या हमें, हम अपने ग्राहक का डाटा क्यों देंगे? कल वो हमारे ग्राहक को ले गया तो हम क्या करेंगे भाई, हमारी तो बिजनेस बना हुआ बेकार हो जाएगा। तो लेकिन व्हाट्सएप पे आप यही चीज क्यों कर रहे हो? आपने ग्रुप बना दिए और ग्रुप में जो आपके कस्टमर है उनका डाटा दिख रहा है, उनके नंबर दिख रहे हैं, आप अपने ग्राहक का डाटा खुद ही दिखा रहे हो दूसरे लोगों को। अब कोई भी आपका कॉम्पिटिटर आके आपके ग्रुप में से डाटा ले सकता है, आपके कस्टमर को छीन के अपने पास ले जा सकता है। ग्राहक की एक आदत होती है कि आप किसी प्रोडक्ट को 390 रुपए का दे रहे हो और किसी ने 1 रुपया सस्ता वही प्रोडक्ट दिखा दिया तो वो आपसे हटके तुरंत उससे खरीदने लगेगा दूसरे पर्सन से। अब जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो यही करते हैं, आपके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और आपके ग्रुप में से डाटा उठा के अपने ग्रुप बनाते हैं, अपनी ब्रॉडकास्ट बनाते हैं और आपके कस्टमर को चुरा ले जाते हैं। तो पहली गलती आपने यही कर दी कि अपने कस्टमर्स का डाटा उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया जो आपके कॉम्पिटिटर थे और वो आपके डाटा को ले गए और वो भी उस डाटा को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, उन्होंने भी ग्रुप बना के ऐड कर दिया, उसके बाद उनके ग्रुप से कोई और ले गया। ऐसे करके होता क्या है कि एक कस्टमर का डाटा 10-20 जो डायरेक्ट डीलर होती हैं, जो रीसेलर्स होते हैं, वो चुरा चुरा के 10-20 ग्रुप में ज्वाइन करा देते हैं। उसके बाद जो कस्टमर होता है वो परेशान हो जाता है क्योंकि कस्टमर को हर बार शॉपिंग नहीं करनी, उसको जब जरूरत होगी वो जब शॉपिंग करेगा। आप बताइए आप कितनी शॉपिंग करते हो महीने में, कितनी करते हो महीने में? आप एक शर्ट खरीद लेते होंगे, दो शर्ट खरीद लेते होंगे, लेकिन उसी जगह आपको 10 ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाए और सुबह से लेकर शाम तक आपको 500 पोस्टिंग आए तो आप इतने ग्रुप में ज्वाइन रहोगे? आप 10 के 10 ग्रुप को लेफ्ट कर दोगे क्योंकि आपको उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। और वो डिस्टर्बेंस किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से, क्योंकि आपने उन्हें ग्रुप में ज्वाइन कराया और ग्रुप में आपने ज्वाइन किया, दूसरे लोगों ने आपके ग्रुप में ऐसे कॉन्टैक्ट को चुराया, फिर उन्होंने अपने ग्रुप में ज्वाइन किया, तीसरे लोगों ने फिर यही किया, चौथे लोग ने यही किया, करते करते 10-20-50 लोग ऐसे ही उनको ग्रुप में ज्वाइन करा देती है और वो गुस्से में आके सभी ग्रुप को लेफ्ट कर देती है। तो इससे आपने अपना ग्राहक खराब कर लिया। दूसरी चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि आप दूसरी चीज क्या करती हो, आप फेसबुक मार्केट प्लेस के भरोसे रहती हो, आप इंस्टाग्राम के भरोसे रहती हो, आप यूट्यूब के भरोसे रहती हो, लेकिन जितने भी रिकॉर्ड को आप देखोगे आज के टाइम पे जितनी भी कंपनियों ने ग्रोथ की है वो कभी दूसरों के भरोसे नहीं रहे, उन्होंने एक अपना सिस्टम खुद डेवलप किया, अपनी एक ब्रांडिंग खुद की और उसके बाद उन्होंने काम किया। आप कहोगे कि ओला उबर ये जो कंपनियां हैं, बुक माई शो है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ओयो है, ये कंपनियां दूसरों की चीज़ से अपना बिजनेस करती हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि दूसरों पर डिपेंड नहीं होना? लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये दूसरों पर डिपेंड नहीं है, ये बिजनेस मॉडल को इस हिसाब से चलाती हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो इनके ऊपर आके डिपेंड हो जाते हैं। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या बात आप कर रहे हो? एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे दोस्तों ओयो का नाम आपने जरूर सुना होगा। ओयो का काम क्या है कि जो होटल वाले हैं उनके होटल को किराए पे हुटवाना और उस होटल में से कमीशन कमाना। अब आप कहोगे कि यार सब कुछ होटल वाले का है तो डिपेंडेंसी तो होटल वाले पे रही ना, क्योंकि ओयो से होटल वाला मना कर दे कि हम होटल आपको नहीं देंगे तो ओयो फिर बैठा बैठा क्या करेगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू बनाई है वो ओयो ने बनाई है, कोई होटल को नहीं जानता, यहाँ पे लोग ओयो को जानते हैं और ओयो पे जाके ही ओयो के भरोसे ही होटल की बुकिंग करते हैं। आपको बताना चाहूंगा उबर है, ओला है, ये लोग दूसरे टैक्सी ड्राइवर को अपने यहां रखती हैं, लेकिन लोग किसको जानते हैं, ब्रांड किसकी है, वैल्यू किसकी है, किस नाम से चल रही है? आप मुझे बताइए कि आपने जब भी ओयो उबर या किसी से भी टैक्सी बुक की हो आपको पता है कि लास्ट टाइम आपने किससे टैक्सी की थी? आप तुरंत कहोगे उबर से की थी, ओला से की थी। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैंने स्विफ्ट गाड़ी इसकी मंगाई थी? जिसकी गाड़ी थी उसको तो आप याद ही नहीं रख रहे, यानी कि उसकी वैल्यू कभी भी ओला उबर ने बनने नहीं दी, हमेशा अपनी वैल्यू बनाई। बाई चांस कोई ड्राइवर छोड़ के भी चला जाए, ओयो का ओयो के होटल वाला छोड़ के चला जाए, फिर भी उनका नाम चलेगा, उनसे लोग जुड़ने के लिए पीछे पीछे भागेंगे, उनसे होटल वाले पीछे पीछे भागेंगे, जैसे कि ओला और उबर के साथ होता है। तो उन्होंने अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू क्रिएट की, उसके बाद आज लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ क्या होता है, हम अपने पर्सनल नंबर से अपनी रीसेलिंग शुरू करते हैं, हमारा कोई एक भी दायित्व नहीं रहता कि हमारा कोई बिजनेस है
उस बिजनेस का लोगो है, उस बिजनेस की कोई पहचान है, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी इस चीज को दिमाग में लाया ही नहीं कि हम जो बिजनेस चला रहे हैं वो किस तरीके से चला रहे हैं। जब लोग भरोसा ही नहीं करेंगे, लोगों को पता ही नहीं है, और इसी जगह आप एक छोटी सी भी ब्रांड बनाओ, आपने एक चीज देखी होगी कि एक होती है बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि बड़े स्टेज पे काम करती हैं, लेकिन एक होती है छोटी कंपनियां, वो छोटे स्टेज पे काम करती हैं, और एक होती है छोटी छोटी दुकानें। आपके एरिया में भी कोई छोटी सी दुकान ऐसी होगी जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर होगी उस छोटे से ही एरिया में। आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। आप ध्यान करिए कि आपके आसपास ऐसी कौन सी दुकान है जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो फूड में हो, चाहे सुबह के नाश्ते में हो, कोई भी दुकान हो। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस काम को बड़े बिजनेस के तौर पर नहीं कर सकते, तो एक छोटी सी ब्रांड बना लीजिए जिससे आपकी आपके एरिया में पहचान हो जाए, आपकी कैटेगरी में पहचान हो जाए। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट सेल करिए, अपनी खुद की एक ब्रांड बना के, तो आपकी एक टी शर्ट में पहचान हो जाए कि इस वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट मिलती है और हर तरह की टी शर्ट मिल जाती है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको रीसेलिंग में बैक आना है, दोबारा से रीसेलिंग में रिकवरी करनी है, तो आपको अपनी खुद की एक ब्रांड बनानी पड़ेगी, और ब्रांड बनाने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपको एक बिजनेस नंबर लेना पड़ेगा अपने बिजनेस के नाम से, जैसे कि आप कोई भी सिम ले लीजिए, लेकिन उससे फिर कोई अपना पर्सनल काम नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यूज के लिए उस सिम को रखिए, और उससे आपको एक बिजनेस नाम सेलेक्ट करना है कि आप क्या अपने बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं। उसी नाम से आपको अपनी वेबसाइट सेट करनी है, आपका इंस्टाग्राम भी उसी नाम से होना चाहिए, यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए, आपका व्हाट्सएप बिजनेस भी उसी नाम से होना चाहिए, आपका एक लोगो होना चाहिए जो सभी जगह लगा हो। और आप व्हाट्सएप के माध्यम से रीसेलिंग नहीं करोगे, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से रीसेलिंग नहीं करोगे, आप फेसबुक के माध्यम से रीसेलिंग नहीं करोगे, आप जो रीसेलिंग करोगे वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के माध्यम से करोगे। आप इस चीज़ को समझिए कि जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से सेलिंग नहीं करती, कभी भी यूट्यूब के माध्यम से सेलिंग नहीं करती, कभी भी इंस्टाग्राम के माध्यम से सेलिंग नहीं करती, कभी भी फेसबुक के माध्यम से सेलिंग नहीं करती, वो सेलिंग जो करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट के माध्यम से करती हैं, और बाकी जगह पे वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करती हैं, अपने फेसबुक पेज पर प्रमोशन, यूट्यूब पर प्रमोशन, व्हाट्सएप पर एडवर्टाइजमेंट चलाना, सभी जगह प्रमोशन करती हैं, अपने बिजनेस के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती हैं, और सभी लोगों को वहाँ से जो डाइवर्ट करती हैं वो सीधा अपनी वेबसाइट पर पहुँचाती हैं, और वेबसाइट से अपनी सेल जनरेट करती हैं। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सभी पे आपको अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है, क्या क्या प्रोडक्ट है उनके बारे में आपको बताना है, अपने सेल्स के बारे में बताना है कि क्या सेल्स हमारे यहाँ निकली हैं, और अपनी वेबसाइट पे लोगों को ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों, अगर रीसेलिंग में आप अपनी खुद की एक ब्रांड बनाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से अपनी ब्रांड बना सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका पूरा सेटअप करके देंगे, वेबसाइट, एप्लीकेशन, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का लोगो, सभी जगह सोशल मीडिया पर आपके बिजनेस को फैलाना, सारी चीज़ें करके हम लोग देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप यहां पे देख सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और अधिक जानकारी लीजिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर एक एक स्टेप को मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद चीज़ों को समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस फील्ड में सक्सेस हो पाओगे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।